अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू क्लास 4। बेटा, जैसे कि आप सबको पता है, हमारी क्लास 4 शुरू हो चुकी है। न्यू क्लास में हम सब आ चुके हैं। हमारा जो है फर्स्ट यूनिट भी स्टार्ट हो चुका है ऑलमोस्ट। तो सब्जेक्ट हमारा कंप्यूटर है बेटा। हमारा जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, क्लास 4 का। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। जो हमारा फर्स्ट यूनिट था, फर्स्ट यूनिट में हमारे पास जो चैप्टर्स थे वो दो थे, ठीक है। पहला तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है जो भी हम पढ़ रहे हैं। सेकंड चैप्टर है हमारा टाइप्स एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इसमें तो पहला चैप्टर है, अच्छा दूसरे चैप्टर के बाद हमारे पास हमारा प्रैक्टिकल भी होगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे। जो टॉपिक होगा वो तो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ ही था, जो मैंने सिलेबस की एक्सप्लेनेशन आपको दी थी उसमें। लेकिन जो चैप्टर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है उसमें सबसे पहले तो हमारी प्रेजेंटेशन है, क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारे पास आई गेस 5, उसके बाद हमारी फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फिर हमारे ट्रू फॉल्स हैं, एक्सरसाइज 2 है बुक पेज नंबर 10 कॉपी में सॉल्व होगी, एक्सरसाइज 3 है बुक पेज नंबर 10 बुक में सॉल्व होगी, एक्सरसाइज 4 बुक पेज नंबर 10 कॉपी में सॉल्व होगी, उसके बाद हमारी एक्टिविटी है। तो लास्ट वीडियोस में हमने जो है पढ़ा था अपना क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की वीडियो हमने देखी थी, समझी थी। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 की वीडियो को समझा था। अब इस वीडियो में हम फिल इन द ब्लैंक्स को फोकस करेंगे। हमारी फिल इन द ब्लैंक्स कितनी हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे, साथ साथ मेरे आप लोग समझिएगा। फिल इन द ब्लैंक नंबर 1 है डैश वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। अच्छा बेटा, सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या थी, एबेकस थी। ये बात मैंने आपको लेसन में समझाई थी, जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जो हमने लेसन समझा था, सबसे पहले जो कैलकुलेशन करने के लिए डिवाइस आई थी वो थी एबेकस। क्योंकि आज से पहले लोग अपने फिंगर्स पे, अपने पत्थरों पे, बोन्स पे, इन सब पे क्या करते थे, कैलकुलेशन किया करते थे। नंबर 2 पे अब हम आएंगे, एबेकस वॉज इन्वेंटेड चाइना अबाउट 2000 ईयर्स अगो। एबेकस को इन्वेंट किया गया था चाइना में आज से 2000 साल पहले। ये भी बात मैंने बेटा आपको लेसन में समझाई थी, और क्वेश्चन नंबर 1 में ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन दी गई है, हमें आंसर में बताया गया है डिफाइन एबेकस वाले क्वेश्चन में कि एबेकस चाइना में इन्वेंट हुआ 2000 साल पहले, एबेकस सबसे पहली कैलकुलेटिंग मशीन थी। उसके बाद नंबर 3, डैश वॉज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन। ब्लेस पास्कल फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिन्होंने जो है कंप्यूटर की ईजाद में बहुत आगे रहे थे, और उन्होंने बहुत हेल्प आउट किया था और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भी ईजाद की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, फुल फॉर्म ऑफ पीसी इज डैश। फुल फॉर्म पीसी की क्या है, पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर पीसी से मुराद होता है पर्सनल कंप्यूटर। नंबर 5 है हमारे पास, चार्ल्स बेबेज डिज़ाइन अ मशीन विच वॉज यूज टू कैलकुलेट मैथमेटिकल टेबल्स इन डैश। चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन डिज़ाइन की थी जो कि यूज़ होती थी कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिकल टेबल्स वगैरह, और कौन से साल में की थी उन्होंने, 1882 में। तो बेटा, मैं उम्मीद करती हूँ आप ये फिल इन द ब्लैंक्स समझ आ गई होंगी। बहुत आसान है ये फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ मुश्किल नहीं है इनमें। कुछ नहीं समझ आता है फिल इन द ब्लैंक्स को आप देखिए, समझिए, सुनिए लेक्चर को बार बार, और फिर हम इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे मजीद काम के साथ। हमारी अगली वीडियो इंशाल्लाह क्या होगी ये हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।